इतनी बजे शुरू होगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और महामुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है दोनों टीमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का महामुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार दोनों टीमें किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है, टीम इंडिया कौन से बदलाव करने जा रही, तो कौन से बदलाव करेगी साउथ अफ्रीका। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते कि अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करके बेहतरीन जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप 2023 की सबसे मजबूत टीम कही जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक इस टीम के पास में काफी बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है इस टीम के लिए, जिसके चलते इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को इस बार मुकाबले हराए हैं। हालांकि ये खुद नीदरलैंड से हार चुके हैं, लेकिन वो एक दिन खराब था शायद, इस बार ये टीम कुछ अलग रूप में नजर आ रही है। वहीं पर गेंदबाजी में भी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज भी मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हम इस टीम की पूरी प्लेइंग 11 को। तो दोस्तों, हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे क्यूटन डिकॉक, तो उनके साथ होंगे तेम्बा बाउमा। दोनों खिलाड़ी टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दिला सकते हैं और दोनों के हालिया परफॉर्मेंस की बात करें तो क्यूटन डिकॉक तो इस वर्ल्ड कप में कमाल ही कर रहे हैं। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर इस टीम की तरफ से राशि वेंडेडुसेन खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 4 पर एडन मार्करम उतरेंगे। ये दोनों खिलाड़ी भी टीम के लिए कमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर इस टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरी क्लासन खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 6 पर डेविड मिलर उतरेंगे, जबकि नंबर 7 पर मार्को येंसन उतरने वाले, तो नंबर 8 पर कंगिसो रबाडा खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 9 पर केशव महाराज उतरेंगे, तो नंबर 10 पर केरल कोटजी उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर लुंगी एंगिडी उतरेंगे। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो इस टीम की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक में कई ऐसे नाम हैं जो किसी भी समय अपने दम पर मुकाबले को पलट सकते हैं। यानी कि फिलहाल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी मजबूत लग रही है। वहीं पर दूसरी तरफ टीम इंडिया की हम बात करें तो भारत की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा, तो उनके साथ होंगे शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाज यहां पर टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दिलाने वाले हैं, तो यहां पर इनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद टीम इंडिया को होगी। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली इस समय सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वर्ल्ड कप 2023 में, तो इनसे भी एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद हम करेंगे। तो वहीं पर नंबर 4 पर सरयस अय्यर, तो नंबर 5 पर केएल राहुल उतरेंगे। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर नंबर 6 पर हमें सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, भले ही पिछला मुकाबला इनका अच्छा ना हो, लेकिन यहां पर कमाल करने वाले हैं। इसके बाद नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा उतरेंगे, जड्डू से भी यहां पर काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 8 की, तो यहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद शमी, यह भी टीम इंडिया के लिए कमाल कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 9 पर कुलदीप यादव उतरेंगे, कुलदीप का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। तो वहीं पर नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह भारत की तरफ से अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन मोहम्मद शमी भी पिछले मुकाबले में 5 विकेट लेकर अब इस रेस में आ चुके हैं। तो वहीं पर नंबर 11 पर हमें मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे, वो भी काफी शानदार परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर भी उनसे कमाल के परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। यानी कि दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों, क्या लगता है भारत और अफ्रीका में से कौन जीतेगा ये मुकाबला, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें।